think they are coming? Against the fascist invaders. Carefully follow the instructions of your sergeants, officers, and political officers. Also, take heed of Comrade Stalin's order. Not one step back. Never give up a single meter of our sacred soil to the Hitlerites. Remember that the eyes of the workers and the peasants are upon you. Remember that your mothers, wives, and sweethearts depend upon you. Remember that the motherland expects you to do your patriotic duty, even at the cost of your own life. Also, remember. जंगों की तारीख खुद इंसानी तारीख जितनी पुरानी है, लेकिन वक्त के साथ साथ जंगों में शिद्दत आती गई। पहले पहल की जंगें मजाहिब के नाम पर लड़ी जाती थी, लेकिन फिर उनका दायरा वसी होता गया। जब से बादशाहत का निज़ाम कायम होने लगा और ममालिक बनते गए, और फिर इन ममालिक ने बाकायदा अपनी फौजें बनाना शुरू की, इसलिए जंगों की तादाद में भी इजाफा होता रहा। हिटलर ने जर्मनी का ताज संभाला तो उसके कुछ अरसे बाद जंगों की वसतें और भी फैला दी गई, बाकायदा आलमी जंगें शुरू हो गई। कहते हैं हिटलर दौरान जंग अपनी फौज का डर और खौफ ख़त्म करने के लिए इन्हें शराब और कोकेन तकसीम करवाता था, ताकि उसके फौजी मजीद वहशी बनकर दुश्मन पर टूट पड़े। जाहिर है दौरान जंग हालात इतने ख़राब होते हैं कि इंसान का हौसला और हिम्मत जवाब देने लगती है। ऐसे में सिपाही अपने ही किसी अफसर या मुल्क के खिलाफ भी बगावत कर सकते हैं। इस मकसद के लिए बहुत सारे ममालिक अपने सिपाहियों को मुमकिना बगावत से दूर रखने और मज़ीद ताकत और वहशत से दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हालिया अमरीका अफगान जंग के दौरान अमरीका ने अपनी फ़ौजियों के इंटरटेनमेंट के लिए जहाँ खूबसूरत ख़वातीन पर मुश्तमिल दस्ते फ़ौजियों के साथ भेजे, वहाँ इनकी तनख्वाहें 100 गुना बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ फ़ौजियों को वाफिर मकदार में शराब भी पेश की जाती है, और रात को उनकी नींद दूर करने के लिए आइस का नशा भी मुतारफ़ कराया गया। आइस दरअसल एक ऐसा नशा है जो आपको सोने नहीं देता। लेकिन अकेला अमरीका ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे और ममालिक भी अपनी फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो कि आजकल हर एक्टर करवा कर अपने जिस्मानी खदोखाल बदल रहे हैं, दरअसल ऐसे सिपाहियों के इलाज के लिए ईजाद की गई थी जिनको दौरान जंग जख्म आते और फिर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उनके जिस्म के हिस्सों को दोबारा से बनाया जाता। मैदान जंग के मनाजिर बहुत वहशतनाक होते हैं, लाशों के अंबार लगे होते हैं, और दूसरी जानेब आप अपने साथी फौजियों की लाशें भी उठा रहे होते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सिपाहियों का हौसला बरकरार रखने के लिए सन 1965 में उनकी ईमानी जज्बात को उबारा जाता। दूसरी जानेब मैडम नूर जहान बाकायदा जंग के महाज पर जाकर अपने मिली नगमों के जरिए सिपाहियों को नया जोश और वलवला देती, जबकि हिंदुस्तानी अफवाज को कसीर तादाद में शराब व शबाब पेश किया जा रहा था। आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मन अफवाज के ऐसे मुतादिद वाकयात सामने आए हैं जहां इन अफवाज के सामने आने वाले बेगुनाह लोगों को भी इन फौजियों ने किसी जंगली जानवर की तरह अपने मुंह से उनका गोश्त नोच नोच कर उनको मार डाला था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, जहां अब जंगे सिपाहियों की जगह कंप्यूटर बटन पर आ गई, वहाँ फिर भी ज़मीनी फौज की अहमियत बरकरार है। बहुत सारे ममालिक ने बाकायदा जंगी रोबोट्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं जो ज़मीनी अफवाज की जगह दुश्मन से लड़ेंगे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे चिप भी मुतारिफ कराए गए हैं जो कि फौजियों के जिस्म पर लगाए जाते हैं, जिससे उनका डर और खौफ ख़त्म किया जाता है। ऐसे चिप्स के ज़रिए फौजियों के दिमाग में मुसलसल खुशी के जज्बात भेजे जाते हैं, जिनसे फौजी बग़ैर खौफ के अपना मिशन पूरा करते हैं। ऐसे चिप का इस्तेमाल कुछ अरसा कबल किया गया, जहाँ कुछ फौजियों के हेलमेट में ऐसी कंप्यूटर चिप्स लगाई गई और फिर उन्हें मिशन पर भेजा गया। मिशन के दौरान जिन सिपाहियों के हेलमेट में चिप्स लगाई गई थी, वो दूसरे साथियों से ज़्यादा बहादुरी से लड़े और अपना मिशन पूरा कर दिया। इन चिप्स के कामयाब तजुर्बात के बाद अब हेलमेट की जगह इन चिप्स को फौजी के जिस्म में सर्जरी के ज़रिए फिक्स किया जाएगा, जिससे वो मुस्तकबिल में अपने डर पर काबू पाकर मज़ीद वहशत से दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे।